हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज दादी माँ हम सबको बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी बताने जा रही हैं, जो महीने भर तक आपकी खराब नहीं होगी। आप चाय के साथ इसको खा सकते हैं, सफर में ले जा सकते हैं। तो दादी माँ, ये मुरमुरे की नमकीन है ना? हाँ, मुरमुरा और ये मूंगफली। हाँ, मूंगफली, मूंगफली की। हाँ तो ये अम्मा, इसमें आपने कहा कि लहसुन भी पड़ेगा ना? लहसुन, हाँ एक लहसुन, खड़ा लहसुन हाँ थोड़ा हाँ सा तोड़ हाँ कूच देंगे उसे। हाँ, थोड़ा हाँ थोड़ा बहुत हाँ स्वादिष्ट होता है। हाँ उससे उसको खूब कुरकुरा हाँ, करके बनाएंगे। और अपने अंदाज से मिर्च डाल दे, हल्दी डाले और हाँ। बढ़िया चलाते रहे। हाँ 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 बहुत हाँ अच्छी नमकीन हम लोगों के भाई, हाँ ये देसी यहाँ नमकीन हम देसी लोग की, नमकीन जो है। कि पुराने जमाने में बनती हाँ, थी और अब लोग भूलते जा रहे हैं, तो आइए सीखे। और ये बहुत ही हेल्दी होती है। तो सबसे पहले गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने 1 कप मूंगफली ले ली है और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, बट इसको जैसा कि दादी माँ ने कहा, वो अपने तरीके से बहुत ही हेल्दी वे में बनाएंगी। तो इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, और जब भी आप मूंगफली को ड्राई रोस्ट करें तो मीडियम टू लो फ्लेम पे करें, वरना ये बाहर से तो लगेगा कि पक गई है लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। तो लगातार चलाते रहें और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे भून लें अच्छे से। ये देखिए, इसको भूनते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। थोड़ी थोड़ी इसकी चटकने की आवाज़ भी आ रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो ये इंडिकेशन है कि मूंगफली अच्छे से भून चुकी है। इसको 8 मिनट लगभग लगते हैं, तो अब हम इसको तुरंत एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके छिलके उतार लेंगे। जब तक मूंगफली ठंडी हो रही है तब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो इसके लिए हम लहसुन लेंगे, और लहसुन ऑप्शनल है। अगर आपको लहसुन नहीं खाते हैं तो आप ये स्टेप कम्प्लीटली कम्प्लीटली इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये 10 से 15 कलियां मैंने लहसुन की ली हैं, और ये थोड़े बड़े साइज़ के लहसुन हैं। अब इसे एक कोई भारी बर्तन लेना है, ये मैंने कुटनी ली है, और इसको सिंपली हमें क्रश करना है, एकदम वो नहीं करना है, बस ये देखिए ऐसे ही लेके क्रश करना है। और ये देखिए, ये लहसुन ऐसे ही हमारा तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आप इसको ना तेज से ना करें, बस सिंपली हमें लेके इसको क्रश करना है, और इससे ये जो मुरमुरे की जो नमकीन बनेगी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगी। ऐसे ही आप क्रश करके लहसुन को तैयार कर लें। ये देखिए, सारे लहसुन मैंने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कि कैसा क्रश करने के बाद ये ऐसा कुछ कुछ हो जाता है। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे, और ये जो मूंगफली है ये ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, तब ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मूंगफली तैयार हो गई है, और थोड़े बहुत छिलके रहे तो कोई बात नहीं। अब फिर गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। ये देखिए, ये ऑयल गरम हो रहा है, और इसमें मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल है। अब हम इसमें लहसुन लेके ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किए थे, और इसको हमें धीमी आंच पे पकाना है। ये देखिए, इसको हमें धीमी आंच पे पकाना है, तो ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे, और आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको एकदम आंच जो है एकदम तेज ना करें, धीमे आंच पे इसको फ्राई करें, और ये जो है गोल्डन ब्राउन कलर का इसको होने दें। चलाते रहें इसको। ये देखिए, लहसुन का कलर चेंज होने लगा है, तो अब हम इसमें करी पत्ते भी ऐड करेंगे और उसको भी फ्राई कर लेंगे, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये करी पत्ता भी इसमें फ्राई हो चुका है, तब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी हल्दी पाउडर कलर के लिए। तो आधी छोटी चम्मच मैंने ऐड किया है, और इसको भून लेंगे। ये देखिए, भून जाता है तुरंत ही, तो अब हम इसमें तुरंत मुरमुरा ऐड कर देंगे। तो ये अच्छे से भून चुकी है हल्दी, तो अब हम इसमें 3 कप मुरमुरा लेके ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे एकदम लो फ्लेम पे ही, जिससे ये जो मुरमुरा है एकदम अच्छे से क्रंची हो जाए। और इसमें आप लहसुन ज़रूर एक बार ऐड करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, और जैसा कि दादी ने कहा कि बहुत ये हेल्दी भी है, क्योंकि लहसुन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस रूप में आप इसमें लहसुन खा भी सकते हैं, बहुत ही ये एकदम क्रिस्पी हो जाता है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एकदम क्रिस्पी रहते हैं।
दो से तीन मिनट हो चुके हैं, मुरमुरा अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली जो मैंने तैयार करके रखी थी, और मेरे पास भुना हुआ चना भी था 1 कप, मार्केट में बहुत इजीली मिलता है, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद हम इसमें नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। तो नमक आपको स्वाद अनुसार ही ऐड करना पड़ेगा, नमक स्वाद अनुसार ऐड करें। और उसके बाद हम इसमें मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, तो आधी चम्मच से भी कम मैंने लाल मिर्च ली है, और 3/4 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाले का यूज़ किया है। उससे बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, ये नमकीन हमारी बन के रेडी है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। चाय के साथ आप सफ़र में जा रहे हो, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब ये एकदम ठंडा हो जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप इसको एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए, और इसको 15 से 20 दिन तक आप आराम से खा सकते हैं। तो ये रेसिपी आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद है रेसिपी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ओके बाय।